Hey guys, welcome back to Revocation Channel. तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हम लोग अलग कर रहे हैं, तो पीसी बिल्ड है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वीलॉग। हम लोग जाएंगे क्लाइंट के ऑफिस जाके हम लोग वहाँ पे करेंगे सेटअप, और ये पूरी जर्नी मैं आपको ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। और क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोवा। और हाँ, ये वीडियो मैं आपको स्पेशली क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं तो गेमिंग रिग बनाता ही हूँ, लिक्विड कूलिंग के पीसी भी बनाता हूँ, हाई परफॉर्मेंस रिग भी बनाता हूँ, डेवलपर्स के लिए बनाता हूँ, फिर जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए बनाता हूँ, फिर जो वीडियो रेंडर करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, फिर फोटोशॉप, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए बनाता हूँ। लेकिन ये जो पीसी जा रहा वो जा रहा एक शेयर मार्केट के जो ट्रेडर है उनको जा रहा, तो वो ये अलग क्या है इसमें? अलग ये है कि नॉर्मली आप देखोगे तो कोई भी गेमर या कोई भी जो डेवलपमेंट करता, वीडियो एडिटिंग करता, वो मैक्सिमम 3 मॉनिटर्स सपोर्ट, मतलब 3 मॉनिटर्स तक वो यूज़ करते हैं, उनका उसमें काम सफिशियंट हो जाता है। ये जो शेयर मार्केट के जो बंदे रहते हैं उनको थोड़ा हाई फंडे, मतलब अलग ही चाहिए उनको, 1 मॉनिटर 2 मॉनिटर 3 मॉनिटर 4 मॉनिटर। तो 4 मॉनिटर तक तो मैंने सेटअप किया था, अच्छे खासे पीसेस दिए थे, लेकिन ये जो क्लाइंट है इसको जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी एक पीसी को कम से कम 8 मॉनिटर उसको चाहिए थे। टोटल 16 मॉनिटर का उसका रिक्वायरमेंट था। हम लोगों ने 2 पीसी में डिवाइड किया, एक पीसी पे 8, दूसरे पीसी पे 8। तो ये पूरा जो सेटअप और ये जर्नी, ये मैं आपको ये प्रॉपर वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होगा जैसे मैंने पहले बोला पीसी बिल्ड से, फिर वीलॉग होगा ड्यूरिंग द जर्नी, फिर क्लाइंट के यहाँ जाके सेटअप होगा, सेटअप का आपको प्रॉपर वीडियो दिखेगा और वीडियो खत्म। तो मजे करेंगे ये वीडियो में। तो आप जैसे हम लोगों को सपोर्ट दे रहे हो, अभी लास्ट वीडियो मैंने जो डाला, फिर शॉर्ट्स डाले, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट दे दो जिसके कारण मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने अभी अपग्रेड किया है, जल्दी हमारा एक वीडियो लॉन्च हो रहा जो पीसी मॉडिंग का है, जो दिवाली थीम के ऊपर है, और फिर उसके बाद ये वीडियो भी है, और ये वीडियो के बाद एक सेटअप टूर भी करेंगे। और जो जैसा लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एक 10 पीसी LCS के जो मैं बनाने वाला हूँ वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो बात करते हैं कौन से कंपोनेंट ये बिल्ड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो, शेयर मार्केट में उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए रहता, तो कुछ भी डिले ना हो इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं Ryzen 9 5950X प्रोसेसर। फिर उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं MSI का X570S कार्बन मैक्स वाईफाई मदरबोर्ड। फिर हम लोग कूलर, हाँ इस बार हम लोग एयर कूलर यूज कर रहे हैं, एयर कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं डीप कूल का AK620 और EVGA का 850GT गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर अभी के वीडियो के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं G-Skill Kirinjo's RAM, लेकिन बाद में हम लोग उसको चेंज करेंगे विद G-Skill Trident Z, क्योंकि अभी मैं इंतजार कर रहा था कुरियर का, लेकिन अभी तक कुरियर नहीं आया, कल निकलना है, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग द वीडियो वो आ गया तो चेंज करेंगे, नहीं तो फिर क्लाइंट के आ जाके करेंगे। और फिर हम लोग यूज कर रहे हैं ऑरस की Gen 4 NVMe, जिसका रीड एंड राइट स्पीड है अप टू 5 GB/s। फिर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं Seagate का 2 TB का हार्ड ड्राइव। जैसे कि मैंने बोला कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है मल्टीपल मॉनिटर्स की, तो इसलिए हम लोग अभी यूज कर रहे हैं क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड जो कि PNY के है, और T600 4 GB के ग्राफिक्स कार्ड है, और ऐसे 2 ग्राफिक्स कार्ड हम लोग लगा रहे हैं जिसके कारण हम लोग यूज कर सकते हैं 8 मॉनिटर का सेटअप फॉर दिस PC। तो चलो जैसा हम लोग रेगुलर करते हैं, पहले चेक करेंगे टेस्ट बेंच पे, सेटअप खत्म करेंगे और उसके बाद पीसी बिल्ड करेंगे, और पीसी बिल्ड होने के बाद वापस निकलेंगे गोवा। We'll be right back.
हफ्ते इस पिन सेटअप करके ले लिया है। आपने देखा ये जो एयर कूलर है वो हम लोगों ने लगाया, जो क्वाड्रो सीरीज से ग्राफिक्स कार्ड है वो लगा दिया, प्रोसेसर NVMe और पावर सप्लाई कनेक्ट कर लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये क्वाड्रो सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड है ना उनके लिए एक अलग से केबल हम लोगों को लेना पड़ता, मिनी डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI पोर्ट, जिसके कारण हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते। तो इस टाइप का वो केबल रहता, तो ये केबल एडिशनल हम लोगों को परचेस करना पड़ता। तो ये केबल हम लोग इसको अभी कनेक्ट करेंगे और ये देखो ये अभी जाएगा इसको यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हो मेरी डिस्प्ले को उसमें हम लोग अभी हम लोग चेक करेंगे इसका, इसको बूट करेंगे। तो इसको ऑन है, इसको हम लोग शॉर्ट करके अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बूट हुआ है, और अभी हम लोग बायोस में, तो बायोस में अभी आप देख सकते हैं CPU का टेम्परेचर 50 है, मदरबोर्ड का 30 है, हम लोगों ने लगाया है X570 Ryzen 9 5950H, 32GB RAM है, 3.4GHz पे अभी चल रहा, इसको बाद में हम लोग ट्यून करेंगे जिसके कारण प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 45 डिग्री तक वो आ गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको XMPO वो कुछ नहीं करेंगे, अभी सीधा हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन पहले स्टार्ट कर देंगे, इंस्टॉलेशन ख़त्म करेंगे और फिर जाके इसमें हम लोग प्रॉपर जब एक कैबिनेट में हम लोग इंस्टॉल करेंगे तब इसको हम लोग बायोस में जाके ट्यून करेंगे। तो चलो पहले हम लोग इंस्टॉलेशन ख़त्म करके लेते हैं। तो अभी सब कुछ इंस्टॉलेशन मैंने कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ रेडी है, PCs के सारे कंपोनेंट्स चल रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताना चाहता कि अगर कोई PC बिल्ड खुद से कर रहा तो प्लीज़ पहले टेस्ट बेंच पे सारा सेटअप कर लो, उसके बाद ही कैबिनेट पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि सब कुछ वापस निकाल के एक एक चीज़ चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो ये प्रोसेस फॉलो करता, आई रिकमेंड टू यू गाइज ऑल्सो। तो चलो अभी चालू करते हैं कैबिनेट में इंस्टॉलेशन। ये आई थिंक मेरा लाइफ का सबसे पहला PC है जिसमें आई थिंक सिर्फ CPU और मदरबोर्ड का 24 पिन, बस दो ही केबल्स है। तो लाइफ बहुत आसान है आज, ऐसे PC तो फटाफट 10-15 तो बना सकता मैं दिन में तो ऐसा नहीं है, केबल मैनेजमेंट का टाइम बहुत बचने वाला है। तो चलो चालू करते हैं PC के अंदर कंपोनेंट्स का फिटिंग और फिर निकलना है घूमने, तो चलो फटाफट काम करते हैं।
पे अभी पीसी सेटअप हम लोगों ने कर दिया है, आपने अभी पूरा प्रोसेस तो देख ही लिया, केबल मैनेजमेंट भी कर लिया है, तो अभी इसको करते हैं चालू, एक बार चेक करते हैं और इसको पैक करके निकलते हैं। चलो जय श्री राम। तो यहाँ पे अभी अपना सब कुछ प्रॉपर चल रहा, एसी भी रेडी है, ग्लास लगा के इसको पैक करके निकलते अभी सीधा क्लाइंट के यहाँ पे। फिर जाते वक्त टाइम पास करेंगे, क्लाइंट के यहाँ जाके इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो 16 मॉनिटर हम लोग लगाने वाले वो सेटअप कैसे दिखेगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ पीसी बिल्ड है। तो अभी एक पार्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट किया पीसी बिल्ड का, अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब वीलॉग स्टार्ट होगा। अभी वीलॉग में हम लोग ड्यूरिंग द जर्नी थोड़ा टाइम पास करेंगे और क्लाइंट के यहाँ जाके सेटअप करेंगे। चलो मिलते हैं कल सुबह निकलते टाइम पर। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकले, 7 बजे का प्लान था लेकिन आधा घंटा डिले हुए हमारे विशाल सर के कारण। 7 बजे आईएसटी पे निकले हम तो चलो विशाल को हाय। हाय विशाल, थैंक्स फॉर कमिंग, और हमारे सीईओ भी है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम लोगों ने 3,500 का डीजल पेट्रोल डाल के अभी हम लोग खाएंगे वड़ा पाव। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुक के वड़ा पाव खाएंगे, अभी ये लोग अभी भी टाइम पास ही कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे वड़ा पाव खा के फिर निकलेंगे। तो अभी हम लोगों ने लिए वड़ा पाव, विशाल ये बहुत फेमस है तो जरा रिएक्शन देना खा के। तो अभी रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। हाँ विशाल कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो हमारे सीईओ को चटनी पसंद नहीं, मीठा है, मीठा मुझे मीठा पसंद है, फिर भी हम लोग रिएक्शन देखेंगे उनका। खाओ जरा खाओ खाओ खाओ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी है, तो ये विशाल के अंकल का है, मुफ्त की चाय पी ली है। और अभी हम लोग निकल रहे, अभी कहाँ पे रुकेंगे? कोल्हापुर तो अभी रुकेंगे कोल्हापुर। चलो तो अभी हम लोग रुके निप्पानी, लंच कर रहे और एक अर्जेंट काम भी था तो काम भी खत्म करके तो लंच करके हम लोग निकलेंगे। क्या ऑटो समीर मालक? अरे 20 मिनट हो गए भाई 5 मिनट पिछले आधे घंटे से इसके 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। तो एक अर्जेंट काम आया था तो ज्यादा टाइम नहीं लिया। कितना टाइम लिया मैंने विशाल? आधा घंटा तो वही होगा पक्का। तो बोला 5 मिनट बोल के हम लोग को आधा घंटा बोल के बिठा दिया। अभी अंबोली घाट चालू हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या मस्त व्यू है। बताओ जरा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा हमारा महाराष्ट्र की ब्यूटी। रुकते हैं, वॉटरफॉल आएगा वहां पे रुकते हैं। गाइस अभी हम लोग आ गए अंबोली धबधबा में, तो मैं आपको दिखाना चाहता ये देखो गाइस। तो गाइस फाइनली रात के 9 बजे और हम लोग गोवा पहुंचे। कल सुबह हम लोग जाएंगे क्लाइंट के यहाँ और पीसी सेटअप करेंगे, अभी गोवा में मस्त चिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शैक पे बैठे हैं, डिस्कशन चालू है क्या मंगाने का। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी नाइट है और ये होटल में हम लोग रुके हैं। चलो मिलते हैं कल सुबह सीधा क्लाइंट के यहाँ, जो अपना इम्पोर्टेंट काम है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पहुँच गए गोवा, मतलब कल ही पहुँचे थे। अभी हम लोग आए बीच पे, आरंबोल बीच पे,
तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके थोड़े फोटो वीटो खींच के हम लोग निकलेंगे क्लाइंट के यहाँ। तो यहाँ पे देखो मस्त है व्यू। तो चलो जरा पानी में जाते। तो हे गाइस, फाइनली सेटअप रेडी हुआ है और हम लोग सुबह से बैठे थे। कुछ रिस्ट्रिक्शन से इसलिए हम लोग सुबह से ब्लॉग नहीं किया। अब भी सारा सेटअप रेडी हुआ, हम लोगों ने ओनर से परमिशन लिया और उसके बाद ही अभी ये फाइनल जो हमारा वीडियो है उसका एंड होगा। तो जितना भी हम लोगों ने सेटअप किया है उसमें थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस आए थे, थोड़े लिमिटेशन आए थे और थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे, तो उसके वीडियो मैं बाद में करूंगा जिसके कारण फ्यूचर में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको सेटअप दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप प्रॉपर ट्रेडिंग का सेटअप। और अभी कर ये पीसीज है और अभी करते इसको चालू। ये इतना बड़ा है कि फोन के कैमरे में भी नहीं बैठ रहे। तो दो पीसीज है यहां पे अभी। ये सारे 43 इंच के 4K टीवीज है और बीच में 55 इंच के, ये भी 43 इंच के। तो ट्रेडिंग वन मशीन 1, 2 और ये हो गए बैम बैम। तो फिर एक बार देख लो। तो एक मशीन पे हम लोगों ने टोटल 7 और दूसरे में 7, बाद में एक एक मॉनिटर ऐड करेंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपको ये सेटअप कैसा लगा और एक लाइक तो बनता है ये पूरे वीडियो के लिए। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को फॉलो करो और जिसने भी ये वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक करो और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे फ्यूचर में। तो उसके लिए मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।